तो गाइज यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच में कौन विनर बनने वाले, यानी कि कौन बनने वाले न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन या फिर रोमन रेंस अपना टाइटल को स्टील कर लेंगे। गाइज हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं गाइज पावर स्लैम टीवी। यार जो भी नया बंदा है गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट न्यूज और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। गाइज आपको ये तो पता होगा कि रेसलमेनिया 39 के अंदर सोलो सिकोवा ने स्मोवन स्पाइक लगा दिया था कोडी रोड्स को और फिर रोमन रेंस ने स्पीयर लगा के टाइटल को स्टील कर लिया था रेसलमेनिया 39 के अंदर। और गाइज अभी सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, WWE ने बिल्कुल ही भाई अनप्रिडिक्टेड बना दिया मैच को। कोई तो कह रहा कोडी रोड्स विनर बनेगा, कोई कह रहा रोमन रेंस विनर बनेगा। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, रोमन रेंस को हराना गाइज इतना आसान नहीं है जितना कि बंदे सोच रहे हैं कि कोडी रोड्स इतनी आसानी से भाई टाइटल ले जाएंगे रोमन रेंस में से। जो सामने बंदा खड़ा है ना भाई वो रोमन रेंस है, ब्रोक लेसनर भी उसको हरा नहीं पाया अभी इतने सारे मैचेस हो गए हैं। और गाइज WWE ने रेसलमेनिया की नाइट 2 में तो इनका मैच ऑफिशियल करके रखा है कोडी रोड्स का रोमन रेंस का, उससे पहले एक और मैच ऑफिशियल करा हुआ है जो कि है कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस वर्सेस द रॉक एंड रोमन रेंस का। गाइज इस मैच पर पूरी की पूरी नजरें टिका के देखना भाई, अगर इस मैच के अंदर कोडी रोड्स बिल्कुल ही मतलब लुल दिखाई देते हैं, बिल्कुल मतलब कमजोर दिखाई देते हैं, तो गाइज नाइट 2 के मेन इवेंट में बहुत ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि रोमन रेंस का टाइटल उनके हाथ से जाने वाला है। क्योंकि गाइज WWE ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि कोडी रोड्स को हम नाइट 1 में भी पिन करवा दे और नाइट 2 में वो रोमन रेंस से हार जाए, भाई रोमन रेंस भी उनको पिन कर दे, ऐसे तो पूरा करेक्टर खराब हो जाएगा भाई, कोडी रोड्स का इमेज पूरी खराब हो जाएगी WWE के अंदर, जो वो इतने मतलब पावरफुल दिखाई देते हैं फिर वो इतने भी पावरफुल नहीं दिखाई देंगे भाई। और गाइज अब बात करते हैं हमारे द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। भाई रोमन रेंस कैसे हार जाएंगे कोडी रोड्स के सामने, भाई मेरे फेवरेट सुपरस्टार है रोमन रेंस। भाई किस किस के फेवरेट है पहले तो कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं गाइज रोमन रेंस के बारे में। गाइज जो नाइट 1 के मेन इवेंट में जो मैच होने वाला है द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस द सेथ रोलिंस एंड कोडी रोड्स का, गाइज इस मैच के अंदर अगर द रॉक ने टर्न कर दिया भाई रोमन रेंस के ऊपर या फिर अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर या फिर उनको धोखा दे दिया भाई, फिर तो रोमन रेंस को रोकना भाई इम्पॉसिबल है बिल्कुल। क्योंकि गाइज सोलो सिकोवर जिमी उसो तो भाई ऑलवेज रोमन रेंस की साइड रहने ही वाले हैं, और गाइस फिर तो रोमन रेंस को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहले तो द रॉक की ठुकाई होगी सोलो सिकोवा से और जिमी उसो से, और फिर गाइस जे उसो का तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। और क्या पता गाइस सेथ रोलिंस भी टर्न कर जाए कोडी रोड्स के ऊपर, कुछ भी कह नहीं सकते। कि गाइस मेरी प्रेडिक्शन ये रहने वाली कि गाइस रोमन रेंस के हाथ से भाई टाइटल नहीं जाने वाला, वो स्टील कर लेंगे अपना अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल का एट रेसलमेनिया 40। क्योंकि गाइस बहुत सारे अपोनेंट अभी बचे हुए रोमन रेंस के लिए, सीएम पंक का मैच बचा हुआ 1-on-1, रैंडी ऑर्टन का मैच बचा हुआ 1-on-1 अभी तक हुआ नहीं, फैटल 4-वे हुआ था, और गाइस सबसे बड़ा मैच द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। भाई टाइटल लेगा तो द रॉक ही लेगा भाई, कोडी रोड्स का कोई सवाल ही नहीं बनता भाई रोमन रेंस को हराने का, रोमन रेंस है भाई वो रोमन रेंस। तो गाइस वीडियो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो यार लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। गाइस मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।